Hi guys, I'm a baby. अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए तले रखे, आमीन सुमा आमीन। ये जी आज सुहाना और सुहाना की हाला पूरा दिन आपस में स्पेंड कर रही हैं और ये मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। सुहाना की जो हाला है और खालू, तकरीबन 8 दिन से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो हमारी तरफ नहीं आ सके थे, तो जिसकी वजह से सुहाना की हाला और सुहाना दोनों आपस में बहुत एक दूसरे से उदास हो चुकी थी। सुहाना भी बहुत परेशान थी और उसके हाला भी। ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने दिन ये दोनों एक दूसरे से ना मिली हूँ। तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ तो सुहाना की हाला तो बहुत परेशान हो गई और वो आई तो उसने कहा, मामा आज पूरा दिन मैंने सुहाना के साथ रहना है, कोई किसी और के साथ नहीं रहना। और वो आई तो हम लोगों ने कहा कि चलो आलियान को भी साथ ले जाओ। कहने लगी, नहीं आज हम दोनों रहेंगी बस, तो हम दोनों घूमेंगी फिरेंगी खाएंगी पियेंगी शॉपिंग करेंगी बस, और कोई नहीं सास। और ये दोनों चली गई, इन्होंने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन आलियान पूरा दिन बेचारा जलता रहा और पुरता रहा और कहता रहा कि मुझे सुहाना साथ नहीं लेके गई, वो दोनों अकेली चली गई हैं, मैं भी इनको साथ लेके नहीं जाऊँगा। लेकिन ये दोनों एक दूसरे की दीवानी है, ये कहाँ किसी की सुनती हैं। ये फिर जी इन्होंने शॉपिंग की, सैर की, मैकडोनल्ड वगैरह खाया, पार्क में गई, तो ये बहुत ज़्यादा घूमी फिरी और शाम को ये थक के घर आई तो, और इन्होंने बहुत ही इन्जॉय किया हुआ था और खुश थी ये आज बहुत ज़्यादा आपस में रह के एक दूसरे के साथ। ये जब भी एक दूसरे के साथ होती हैं तो बहुत खुश होती हैं। अभी ये देखिए, ये शॉपिंग खुद करेंगी और ये शॉपिंग वगैरह भी करेंगी और खा पी के तो आ गई हैं, अभी ये पार्क में जाएंगी। तो आज मेरे बेटे ने पास्ता बनाया अपने पापा के लिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और क्योंकि मेरा बेटा जो छोटा है ना, वो तो अक्सर ही हमारे काम करता है, मतलब कभी वो चाय बना देता है, कभी कोई पास्ता वगैरह सैंडविच बनाता है, बर्गर बनाता है। जब भी वो फारग होता है तो उसका शौक़ है कि वो बनाता है संडे को अपने पापा की तरह। उसके पापा भी अक्सर बनाते हैं तो खुशी मिलती है, जब कभी नाश्ते को दिल चाह रहा हो, ना बनाने को दिल कर रहा हो, तो वो बना के दे देते हैं। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिससे इंसान बहुत खुश होता है। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि जो छोटा मेरा बेटा है, वो उसकी वाइफ को तो बहुत ज़्यादा मतलब खुशी होगी कि मेरा हस्बैंड ऐसे कर रहा है। तो मेरा जो बड़ा बेटा है वो बिल्कुल नहीं करता ये वाले काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ता पहले उसने 2 रोटियाँ भी बनाई थी, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी बनी थी। और आज मैं अभी आपको दिखाऊंगी उसने जो पास्ता बनाया अपने बाबा के लिए, वो भी ऐसे लगता था जैसे किसी प्रोफेशनल बंदे ने बनाया। और उसके बाबा कह रहे थे कि मैंने आज तक ऐसा पास्ता नहीं खाया जैसा इसने मुझे बना के दिया। और कैसे वो मज़े से बना रहा था, यूँ लग रहा था कि वो जी हर रोज़ बनाता होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत खुश थी कि इसकी वाइफ को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। ये सुहाना लोगों की शॉपिंग वगैरह तो कंप्लीट हो गई, अभी मेरे ख्याल में ये पार्क में जाएंगी। पता है अपने बेटों को शुरू ही से हम लोग बेटियों को ज़्यादा कहते हैं कि भाई आया जाओ, उसको ये करो वो करो। अपने बेटों को भी साथ साथ में बताना चाहिए कि बच्चे आपको भी काम करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि कभी कोई ठीक नहीं रहता घर में, माँ या बहन या बीवी कोई भी मतलब ठीक नहीं, उसको ज़रूरत पड़ जाए तो वो कर ले। वैसे तो इधर जो अकेले आते हैं लड़के वगैरह तो वो तो कर लेते हैं माशाल्लाह, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं इनके साथ ही मैं आ गई थी तो इनको फिर ये मसला नहीं हुआ।
तो इनको फिर ये होता है कि मतलब माँ कर देती है कोई बात नहीं, लेकिन शुरू से अगर बता दें तो अच्छी बात है। मैं बताती तो दोनों की थी, लेकिन छोटे को थोड़ा शौक ज़्यादा हो गया, लेकिन जो बड़ा है ना वो तो उसको बिल्कुल शौक नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल वो थोड़ा कर रहा है, क्योंकि हम लोग उसे सब कह रहे हैं कि वो करता है तुम भी किया करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी दुआ करें करना शुरू कर देगा। ये अच्छी बात होती है अपनी बीवी को खुश रखना और उसके साथ छोटी छोटी खुशियाँ शेयर करना। और ये आ गई हैं जी इधर झील के पास, छोटी सी झील बनी हुई है, एक पार्क है तो उसके पास। तो ये इसको तो शौक है डक्स वगैरह देखने का, तो वो देख रही है ये। ध्यान से रहने तो कटल वैसे ही देखो। Bye guys. Bye guys. और ये देखें जी मेरा बेटा पास्ता बना रहा है, इसने पास्ता उबाल करना रख दिया है और साथ में ये एक ग्रीन चिली काट रहा है जो ग्रीन नहीं रही अब, वो तो लाल हो गई थी। और माशाल्लाह से ये इतने अच्छे से लहसुन छील रहा था जैसे हर रोज छीलता है। और ये देखें हम ऐसे करें तो हमसे कभी ना हो। और हमने बिल्कुल नहीं बताया कि कैसे बनाना है ये पास्ता। मैं भी बनाती हूँ इसी तरह, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं बताया। पता नहीं इसने देख लिया या फिर इसने नेट से देखा होगा। तो माशाल्लाह इसने खुद ही बनाया, लेकिन बहुत अच्छा बनाया। इसमें लहसुन डाला, उसमें ग्रीन चिली डाली और प्रॉन्स वगैरह डाल के तो इसने बनाया। माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप प्लीज़ मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दिए करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें।